सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वह जनता को बड़ी सौगात देंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस दौरान वह सबसे पहले कौशाम्बी में कड़ाधाम के फसैया मैदान में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 117 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिनमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित के लिए समर्पित बताई जा रही हैं। इसके बाद वह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वह 4,583 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गाजियाबाद भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में सिंगर और फरार चल रहे समर सिंह को गाजियाबाद में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सिंगर और प्रोड्यूसर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समर की गिरफ्तारी गाजियाबाद के चार्म क्रिस्टल सोसाइटी में हुई है। देर रात वाराणसी पुलिस थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन पहुंची, जहां से समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। वहीं CGM कोर्ट ने पुलिस को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी साथ ही, लेकिन अब इस सिंगर के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सपा पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आकांक्षा दुबे के इस मामले में मुख्य आरोपी गायक समर सिंह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। बीते UP विधानसभा चुनाव के समय समर सिंह ने पार्टी के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया था। इसके साथ ही समर सिंह की कई फोटो सपा प्रमुख के अलावा सपा के अन्य नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चार्म्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी मयूरी, देखिए आपको बता दूं, देर रात तकरीबन जो वाराणसी पुलिस थी वो सीधे गाजियाबाद के समर सिंह को गिरफ्तारी की गई है। उसकी लगभग 1 बजे वहां से उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद नंदग्राम थाना उसको लाया गया। लगातार उसे जो पुलिस थी वाराणसी पुलिस वो लगातार पूछताछ कर रही थी कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे के जो हत्या हुई थी, इस तरह से हत्या का तर्क जताया जा रहा था, क्योंकि जो परिवार वाले हैं उनके तरफ से तहरीर भी दी गई थी समर सिंह के खिलाफ, और साथ ही संजय सिंह यानी कि जो दूसरा आरोपी है वो फरार चला, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी जो था ये समर सिंह था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है गाजियाबाद पुलिस से। हालांकि उसको अब मेडिकल कराया गया, मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में सेशन कोर्ट में पेश किया गया। सेशन कोर्ट से अब लगभग उसे 24 घंटे की CGM कोर्ट ने 24 घंटे की एक ट्रांजिट रिमांड के लिए भेजा गया है। हालांकि अब जो 13 घंटे का 12 घंटे का सफर है, यानी कि जो रोड के जरिए इसको समर सिंह को ले जाया जाएगा, वाराणसी ले जाएगा, वाराणसी में जिस तरह से पूछताछ की जाएगी, रिमांड किया जाएगा, कहीं ना कहीं सारे पहलू खुलकर सामने आ जाएंगे कि किस तरह से आकांक्षा दुबे की जो हत्या हुई है। और एक महत्वपूर्ण आपको चीज और बता देता हूँ, किस तरह से एक भूरा केमिकल, यानी कि जब जो जो रिपोर्ट में भूरा केमिकल की बात की गई, हालांकि उनके पिता की तरफ से भी थाना जो है उनसे पूछा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर। वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। एक साफ तौर पर एक चीज बता दूं आपको कि जो सपा नेता यानी अखिलेश यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके साथ भी उनकी फोटो वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक राजनीति से पकड़ भी थी समर सिंह की कहीं ना कहीं तो, और साथ ही जिस तरह से वाराणसी से और यहाँ तक का गाजियाबाद का जो उसका एक सफर रहा, यहाँ पर जिस तरह से फरार चल रहा था और छिपकर रह रहा था, हालांकि सूत्रों की माने तो ये समर सिंह कहीं ना कहीं विदेश भागने की फिराक में था और ये समय रहते यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच की टीम वाराणसी से यहाँ पहुंची गाजियाबाद, उसके बाद समर सिंह की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद अब उसको रोड के जरिए वाराणसी लेकर यहाँ से पुलिस रवाना होने वाली है कुछ ही देर में। जी जी प्रवीण, जैसा कि अभी आपने बताया, आकांक्षा दुबे केस मामले में मुख्य आरोपी गायक समर सिंह की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं अखिलेश यादव के साथ, तो क्या लगता है इससे सियासत भी गर्मा सकती है? देखिए बिल्कुल, देखिए मयूरी आपने जो बताया, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी के तरफ से जब चुनाव हुए थे उसमें एक थीम सॉन्ग्स भी इस गायक ने गाया था समर सिंह ने,
कहीं ना कहीं जो राजनीति यानी सपा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए कि तस्वीरें कितनी क्लोज है, यानी कि बराबर प्रॉपर तरीके समर सिंह वो अखिलेश यादव के बगल में खड़ा है, साथ ही शिवपाल यादव के साथ भी फोटो कहीं मिली है और साथ ही सोशल मीडिया पे कुछ वर्दी पहनकर भी फोटो खिंचाई गई है। अब ये तो सब जांच का विषय है कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है। हालांकि जो अभी तक समर सिंह फरार चल रहा था, जिस तरह से आकांक्षा का जो सब मिला था वाराणसी में, उसके बाद पंखे पे लटका हुआ सब मिला था, हालांकि जो परिवार वाले हैं लगातार उनका सीधे आरोप था कि समर सिंह के साथ ही उसका आकांक्षा का रहना बताया जा रहा था। साथ ही उसने कुछ दिन पहले ही आकांक्षा को फोन भी किया था, उसके बाद जहां पर पार्टी रखी गई थी जिस होटल में, उस कमरे में उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद अब जो है फिलहाल जो है 7 तारीख को आज समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि मामला लगभग 26 मार्च का था, उसके बाद आज को एक चीज और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज ही जो आकांक्षा दुबे है जिसकी मृत्यु हुई थी, आज उसकी 13वीं भी है। हालांकि परिवार वाले काफी भावुक दिख रहे हैं, काफी उनके अंदर आंसू भी देखने को मिले उनकी माँ के तरफ से, कहीं ना कहीं वो काफी मायूस दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी माँ की तरफ से ये भी कहना था योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो उनकी बेटी को न्याय देंगे और खासतौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर में, जो भी पहलू है वो सब निकल कर आने चाहिए और खासतौर पर समर सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाए, उसके बाद ही उसकी माता और उसकी बेटी को जो है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी प्रवीण, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलाने शुरू कर दी है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 7 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। यूपी में कोविड के 192 नए मरीज मिले हैं, जबकि 68 ठीक हुए हैं। अभी कुल मरीजों की संख्या 842 हो गई है। नए मिले मरीजों में सर्वाधिक 56 मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। इसी तरह लखनऊ में 35, गाजियाबाद में 30, वाराणसी में 11, आगरा में 6 मरीज मिले हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल में देश के नाम चिट्ठी लिखी है। वहीं चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम पढ़े लिखे होने का सवाल उठाया है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। साथ ही सिसोदिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान की बातें नहीं समझते, वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 60,000 स्कूल बंद किए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम मोदी बेहद जरूरी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी के केस में आरोपी हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं। वे राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। काबा फेम नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा सीजन 2 के बाद बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के बाद अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का नया गाना लॉन्च हुआ है। इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पर तंज कसते हुए बिहार में जंगल राज का जिक्र किया है। साथ ही अपने गाने में नेहा सिंह राठौर ने तेजस्वी यादव को 10 लाख नौकरी का वादा याद दिलाया, कहा कि अब तक एक भी बहाली नहीं हुई। इसी के साथ रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में हिंसा को लेकर घेरने की भी कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने अपने गाने में एक बार फिर से जंगल राज की आहट की आशंका जताई, जहां अब नेहा का काबा सॉन्ग का नया वर्जन फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बिहार में विपक्ष में बैठी भाजपा के इस सॉन्ग से खूब शेयर कर रही है। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा, काबा बिहार में काबा, अरे चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा ना लागता भैया जंगल राज के
गया हटवा। काबा बिहार में काबा, और चचा के चरण में भतीजवक चारो धाम बा। चचा के चरण में भतीजवक चारो धाम बा। मरेला छपरा चरे नालंदा जरत सासाराम बा। काबा बिहार में काबा, और 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में। 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में। एको बहाली निकलल ना लैका पाड़े तनाव में। काबा बिहार में काबा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से। आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से। कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। काबा बिहार में काबा, और 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा। तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। और काबा बिहार में काबा, अहाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा कर्जा बा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है, जहां अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों की कॉपी किताब स्कूल से ही खरीदी जाए। वहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी बदस्तूर जारी है, जहां एक के बाद एक नया फरमान लागू किया जा रहा है। वहीं अब स्कूल से ही किताबें लेना अनिवार्य कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कुछ दिन बाद आटा तेल छोड़कर सब स्कूल से ही लेना होगा। बता दें कि निजी स्कूल कैंपस के अंदर ही किताबें स्टेशनरी और यूनिफॉर्म महंगे दामों पर बेच रहे हैं। किताबों के दाम में पिछले 10 साल में 40-50% तक बढ़ोतरी की गई है। देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस बीच हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सपा विधायक प्रतिनिधि का एक भड़काऊ पोस्ट सामने आया है। अपने पोस्ट में सपा विधायक प्रतिनिधि वाल मुकुंद धुरिया ने हनुमान जी को बंदर बताया, जिसके बाद हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है। हिंदू समाज के लोगों में उनके पोस्ट को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि भाजपा नेता अतुल मिश्रा ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद बाल मुकुंद धुरिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। बता दें कि खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताने वाले बाल मुकुंद धुरिया ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, जिन्हें अपने आजा बाबा की जयंती याद नहीं, वो बंदर की जयंती मना रहे हैं, इसलिए इतिहास मिटाना जरूरी है ताकि ये क्रम चलता रहे। सपा विधायक के करीबी की हनुमान जयंती पर इस विवादित पोस्ट को लेकर सियासत गर्म है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता अतुल मिश्रा ने बाल मुकुंद के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी है। हनुमान जी पर विवादित टिप्पणी की गई है, जिसके बाद अकबरपुर कोतवाली में भाजपा नेता द्वारा तहरीर भी दी गई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस